पानी निकाल, बबल से पहले पानी निकालना बाहर। ये भी फैसले ये पकड़ना, सारे बबल पहले खाली कर। पानी गरम लाए के, गरम लेके आना है यार, ताज़ा लग रहा है। बबल में नीचे कर लो, कोई नहीं दरवाजा दे आओ यार। मैं पानी फिर भी 200 चेक कर लूँ, फिर ऊपर से दो। हाँ ये ऊपर रख देना। हाँ डक्स को निकालो ऐश, और इधर से इनको भी निकालो, ये भी निकालो, ये भी दरवाजा खोलो। देखो निकलते साथ ही ना हमारी 200 ऐश और कितना ज्यादा शोर मचा रही है ना। निकलो 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 आराम से। ये मुर्गियों का दरवाजा खोलो, ईंट ऊपर डाल देना, रख देना ठीक है ना, केजिस के ऊपर। सबसे पहले दोस्तों इन्हें मैंने पानी डाला ताकि आराम कुन साथ ये पानी पी ले। लेकिन हमारी डक्स दोस्तों ना पानी को मुंह भी नहीं लगा रही। लग रहा है दोस्तों चीनू मीनू अभी बाहर नहीं निकले। आ जाओ आप भी बाहर यार चीनू चीनू यार, मुझे लग रहा है दोस्तों ना नाराज है मुझसे यार, वो बाहर नहीं निकले। तो इसके फ्रेंड तो दोस्तों बाहर आ गए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। इससे पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया वो जल्दी से कर दे सब्सक्राइब। तो गिनी फॉल के काम चेक कर लो। फिर दोस्तों इन्हें मैंने नीचे रखी और दौड़ के ऊपर फ्लाई करके चलेगी नीचे और आराम सुकून के साथ। आज दोस्तों मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की ना तो हमारी ना गिनी फॉल शोर नहीं मचा रही, फिर आराम सुकून के साथ खा रही, पता नहीं क्यों नहीं शोर मचा रही। कमर यार उधर चलिए शाह रे बलियो ना देख। क्या हुआ मर्दी पे यार, क्या हुआ की उस खा लिया जहर ये तो मर्दी पे मुर्गी को। हां और मैट्स को तो मैंने अभी भी दोस्तों बाहर निकाला था, चलो इन्हें बाद में आकर चेक करते हैं बाकी सीरियस इशू कोई। हां सीरियस। चलो फिर वो लड़का यार मुझे बता रहा है कि ना हमारे पेट उसके अंदर दोस्तों जोएब आता है असील मुर्गा लेकर, तो उसकी ना मुर्गी काफी दोस्तों बीमार है, तो हम उसके घर दोस्तों जा रहे हैं। दरवाजा खोलो, फैसल उसका घर है ये वाला व्हाइट कलर का, नॉक करो ना। उसने मुर्गी तो अपनी दोस्तों सारी बाहर निकाल ली, ये वाली मुर्गी है ले आना नजदीक। और यार बाकी मुर्गियों के साथ मिक्स ना ना कर यार, एक अगर अफेक्टेड मुर्गी हो जाए ना तो बाकी की सारी मुर्गी अफेक्टेड हो जाती है यार। कोई जहर वगैरह खा, ब्लड तो नहीं निकल रहा इसका, दम ना निकला इसमें थोड़ा सा, किस साइड से निकला था इसका। जाकर ये तो बिल्कुल वही सीन दोस्तों हो गया जो उस दिन दोस्तों हमारे राजे के साथ हुआ, उसके गले में सारा रेशा फंस गया था। ये वही सीन है, गला दिखा और देख, वो देखे यार सारा रेशा फंस गया, सारा रेशा उसके अंदर ना। लुम्बी बना के ले आ दौड़ के, ये मुझे पकड़ा मुर्गी करना ले, जल्दी कर भी जल्दी तैयार कर यार। दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ ना कि इसकी मुर्गी के गले के अंदर ना दोस्तों सारी डिप करते हैं। सबसे पहले इसका दोस्तों हमें ना रेशा निकालना पड़ेगा, ये देख, ये देखे दोस्तों सारा रेशा इसके फेस के अंदर बन गया। इनको ना पता ये हाल होता है, ये देखे ये रेशा चेक करें, ये डिप करके ना अंदर से साफ होगी फेस। ये ठंडा पानी नहीं बुलाना चाहिए यार इस सीजन के दौरान ना, ठंडा पानी हरगिज भी नहीं बुलाना चाहिए, गर्म पानी, गर्म पानी के अंदर डस्टबिन रखनी चाहिए ताकि ना ये बच सके। इसको बचाने की दोस्तों हम काफी कोशिश कर रहे हैं लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि दोस्तों ना ये हमारे राजे की तरह ही इसका ना बिल्कुल कंडीशन है। क्या सीन है कंडीशन है, और देखे आंखें बंद कर रही है यार, एक्सपायर हो जाना यार। ले आया चाकू, ले आया जल्दी दौड़ के ले आया चाकू, ले आना अंदर। दीपा कर दे, कर दे, कर दे दीपा, पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले, इधर पकड़ा दे दीपा। दोस्तों हमने कर दी मुर्गी, ट्रीटमेंट नहीं हुआ लेकर जा यार, काफी यार ट्रीटमेंट करने की कोशिश की लेकिन उनकी दोस्तों मुर्गी ना बच नहीं सकी। सेम टू सेम कंडीशन दोस्तों उसकी थी हमारी राजे वाली। ये चंगा की तजीबा का दी थी, नहीं तो मकरू है ऐसे ही यार। इधर 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 कौन आया, फैसल कहीं उठा यार, आ तो इनका काम। हाँ जी बड़ी गल है यार, बड़ी गल है यार, इसके काम चेक कर लो। इसे दोस्तों मैं सुबह सुबह इसके घर गया था, मैंने तुझे कहा मिंटू चाहिए था, मिंटू को नीचे छोड़ो यार, मिंटू को देखे बगैर दोस्तों मेरा दिन नहीं गुजरता। इधर आ मिंटू, इधर आ, इसने फीड वगैरह खिला के आया। ये देखो यार इसके तेरे साथ बड़ा ना हैंड टेम हुआ हुआ है मिंटू। ये तो मेरे पास दोस्तों ना आते ही नहीं, वो देखो दौड़ के ना दोस्तों रैपिड्स के घर में जा रहा है, देखो किस तरह से जंप लगा रहा है अभी छोटा सा पीछे होना। इधर आ मिंटू यार, मेरी तो बात ही नहीं ना सुनता, ये लो फीड, फीड को तेरी सारी उंगल दोस्तों इसने मुंह में डाल दी यार, छोड़ दो तेरी यार। तो इसके दांत ही बहुत ज्यादा अभी ना छोटे हैं, है ना अभी छोटा जो है, अभी छोटा जो है। यार क्या हुआ आज, ओए फाइट कर रहा है ये तो मेरे साथ यार, ओए 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 निकलने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है ना, इस पे अटैक ना करते, देखो शोर मचा रहा है, इसने मम्मा के पास जाना, इसे उठाओ ना यार। आज फैसल यार दोस्तों आज हम छोटा सा काम करने लगे हैं कि यार इधर जो हमारे रैबिट्स का दोस्तों जो घर था ना, हमने आज दोस्तों ना घर इनका रेडी कर देना, करना थोड़ी सी रो करके खुदाई कर यार। हमारी दोस्तों जो ऐश हो रही थी ना वो अच्छी तरह से ना एंजॉय नहीं करती,
आज मैंने और फैसल ने दोस्तों ये काम सोचा है ना कि आज इनका फाउंटेन इंशाल्लाह रेडी करेंगे और नीचे यार ना पत्थर वगैरह नहीं, और नहीं नहीं पत्थर नीचे से क्यों लगाना है, उन्होंने अच्छी तरह से फिर नाना नहीं है, पत्थर नहीं निकालना यार, वैसे ही कच्चा ही ठीक है। इतना तो बाहर वाला जो था ना फाउंटेन, उस फाउंटेन के अंदर दोस्तों ने मैंने डक्स को छोड़ दिया था, तो देसी वाली जो दोस्तों डक्स थी ना वो हमारी ऐश हो रही के दोस्तों पीछे लग जाती थी, और ये बेचारी दोस्तों ने दौड़ के ना अंदर आ जाती थी पेट हाउस के अंदर। तो आज मैंने दोस्तों सोचा कि हमारे ना ऐश हो रही का फाउंटेन इंशाल्लाह रेडी होगा, शाम के वक्त ये फाउंटेन से बाहर निकाल के ना फैसल है इसे फिर केजीत के अंदर डाल देंगे, ठीक है। और डेली पानी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर से दोस्तों ठंड, और ठंड होने की वजह से ना पानी इनका ना ठंडा हो जाना, ठीक है ना। बस बहुत है यार, निकल आओ बाहर, बस बहुत है। वेल ये पानी दोस्तों फिल हो गया, जो भी पानी दोस्तों में डाल रहे हैं ना वो सारी जमीन मट्टी ना खींच की है, बस सही है फिल कर दिया। अब दोस्तों हम ऐश्वर्य को ना अंदर डालते हैं फिर इस फाउंटेन के अंदर, इनका फाउंटेन माशाल्लाह से दोस्तों रेडी हो गया, इतनी ज्यादा खुश रहता है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इसे पकड़ो यार कालू, इसे पकड़ो यार, ध्यान से अंदर डालो, ओए 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 आराम से माशाल्लाह, ये तो आराम से खुन के साथ दोस्तों अंदर बैठ गई है। लेकिन वो वाली ना डक्स, ओए ओए क्यों निकल रही है बाहर यार, वो मुझे लग रहा है कि ना अभी दोस्तों हमसे डर रही है ना, फिर बाद में आराम से खुन के साथ ना अंदर बैठ जाएगी अपने फाउंटेन के अंदर। अभी हमने दोस्तों पकड़ लिया, एक मिनट ओए ओए यार ये कितनी डर रही है, वो देखो वो आराम से खुन के साथ स्विमिंग कर रही थी, ये भी अभी भी डर रही है। इतनी मेहनत के साथ दोस्तों हमने फाउंटेन बनाया, और मुझे लग रहा है कि दोस्तों हमारी ना ऐश्वर्य को पसंद नहीं आया, हमने अंदर भी दोस्तों उसे डाला लेकिन वो दोस्तों दौड़ के बाहर निकल गई। यार मुझे ना टेंशन हो रही कि हमारी दोस्तों ऐश्वर्य को क्यों नहीं पसंद आया ये फाउंटेन, मुझे लग रहा है कि अंदर से दोस्तों ना हमें पक्का करना पड़ेगा सीमेंट वगैरह से, ताकि ना पानी ट्रांसपेरेंट नजर आएगा, ये देख ठीक है खुद खुद ही आ जाएगी, साइड पे कर दे मिट्टी। तो आज के ब्लॉग दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो इंशाल्लाह मिलते कल एक नए ब्लॉग के अंदर, तब के लिए अल्लाह हाफिज़। वो देखे दो अंदर जाने की ना बड़ी कोशिश कर रही है हमारी ऐश, मुझे लग रहा है दोस्तों मैंने कहा था ना कि वो मुझसे डर रही इसलिए एंटर नहीं हो रही। वो देखे दो मिनट के लिए दोस्तों मैं साइड पे हूँ ना, तो सारे रैबिट्स और ऐश हो रही दोनों दौड़ के ना अपने फाउंटेन के पास आ गई।